अशोक वाटिका में हनुमान उस वृक्ष की डालियों पत्तों में छिपे बैठे हैं जिसके नीचे सीता बैठी हैं। रावण सज धज कर नारियों के समूह के साथ वहां आता है। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से वो सीता को समझाता है कि हठ त्याग कर वे अपने को उसके सुपुर्द कर दें। वो मंदोदरी समेत सभी रानियों को उनकी दासी बनाकर रखेगा। किंतु जुगनुओं के प्रकाश से भला कमल खिल सकता है? सीता जी ये कहते उसकी भर्त्सना करती हैं कि वो रघुनाथ जी के वाणों से परिचित नहीं है और इसी कारण वो पापी निर्लज्ज उनका हरण कर लाया है। अपमानित रावण क्रोध में कांपता कृपाण लेकर उनकी ओर बढ़ा ही था कि पटरानी मंदोदरी ने नीति की दुहाई देते हुए उसका हाथ रोक दिया। सीता को सोच विचार करने के लिए एक माह का समय देकर रावण वहां से विदा हो जाता है। रावण की दासियों में एक थी त्रिजटा, जिसे श्रीराम के चरणों में अथोर प्रीति थी। वो अन्य राक्षसियों को अपना स्वप्न सुनाती है जिसमें उसने एक वानर को लंका दहन करते देखा था। ये भी देखा था कि रावण के दसों सिर मुड़े हुए, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं और वो गधे पर सवार है। सुनिकारियसी बोला अति किस
भी।